और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, गाजीपुर कब्रिस्तान में बैरिकेडिंग तोड़ने का मामला, गाजीपुर डीएम आर्य का अखौरी का बयान सामने आया, वीडियोग्राफी की गई है और आरोपी जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। बैरिकेडिंग तोड़कर कब्रिस्तान में घुसे थे कुछ लोग। बता दें कि मुख्तार के जनाजे में भीड़ इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग मना करने के बावजूद कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। डीएम ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। डीएम साहिबा कह रही है वीडियो है, अगर शक्ल दिखेगी पहचान हो जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। है वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिस जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। मुख्तार अंसारी के जनाजे के साथ हजारों लोग चल रहे थे, उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन जो कालीघाट का जो ये कब्रिस्तान है यहां पर अंदर जाने की इजाजत सिर्फ परिवार के लोगों को थी, लेकिन कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की जो इस जनाजे के साथ चल रहे थे। पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ ज्यादा थी, तो भीड़ ने जब फोर्स लगाया तो कई लोग अंदर दाखिल हो गए। हालांकि उस वक्त कई लोगों ने बैरिकेडिंग्स को हटाया, कई लोगों ने नारेबाजी की, और इसी पर जो डीएम साहिबाएं वो कह रही हैं कि ये वीडियोग्राफी है उनके पास और जो भी चिन्हित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। हालांकि इससे पहले वो भी सीक्वेंस हमने आपको बताया था कि डीएम साहिबा से जो अफजाल अंसारी थे उनकी भी कहा सुनी हुई थी।